सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधु को मेरा अभिनंदन, मेरा आभार कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल करके इस सभा में आया है। आज का बेसिक मुद्दा ये है कि हम झारखंड युवा अधिकार मंच जो हमारे एक संगठन है वो हम लोग आपके सामने रख रहे हैं, जो युवाओं के अधिकार के बारे में बात करेगी, उनके हक के लिए लड़ेगी, उनको समानता की बात करेगी और उनके रोजगार को लेकर के आवाज उठाएगी। तो ये युवाओं का अधिकार की बात करेगी और युवाओं के रोजगार और उनकी समस्याओं को हम लोगों के बीच और सरकार के बीच रखेंगे। इसलिए ये मंच को हम लोगों ने चुना है और आप लोगों को बुलाया है ताकि ये बात, हमारा विजन जो है, आप सारी जनता तक ये बात पहुंचे। देखिए, मैं पिछले 2 महीने 4 दिन से मांडू विधानसभा में घूम रहा हूँ, डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ, एक एक पंचायत एक एक गाँव जा रहा हूँ और यकीन मानिए मेरी आंखें भर जाती है जब 40 साल उसने राज किया हो और वहाँ पर ये लोग, गरीब लोग, मतलब पीने के लिए चूहा का यूज करते हैं, स्वास्थ्य हॉस्पिटल जाने के लिए 4-4 घंटा एम्बुलेंस का वेट करते हैं, जोबर जैसे पंचायत में जो कि विष्णुगढ़ है जहाँ पर 10th क्लास और 12th क्लास है ही नहीं, तो स्वास्थ्य शिक्षा रोड सब में प्रॉब्लम है। अगर हम ये सही नीति से काम करें, सही नीयत से काम करें तो उम्मीद है कि हम लोगों तक उनके प्रॉब्लम्स को, उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। देखिए, मांडू विधानसभा के लोगों का मनोबल वाकई टूट गया है, वो एक नया चेहरा तलाश कर रहे हैं क्योंकि अभी तक उनके पास चेहरा नहीं था, आज उनके पास चेहरा भी है, एक शिक्षित उम्मीदवार भी है जो उनकी समस्याओं को सुन रहा है, उनके साथ बैठ रहा है, उनकी बातें सुन रहा है, क्योंकि अभी तक 40 साल में उनके साथ बैठ के उनकी समस्याओं को सुनने वाला तक नहीं था, आज एक शिक्षित उम्मीदवार उनके सामने उनकी बातें सुन रहा है, तो आधा प्रॉब्लम तो वही दूर हो गई कि किसी की प्रॉब्लम को उसने बोल दिया और उम्मीद है कि जितने के बाद वो आधी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जैसे चुनाव सामने मैंने अपने जनता को, अपने मांडू विधानसभा को समझाया है कि जो लोग राजनीतिक पार्टियां देंगे उससे बच के रहें, क्योंकि अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी अगर लोग देती है आपको किसी भी चंद पैसे के रूप में, अगर जो आप कह रहे हैं पैसे के रूप में, तो 5 साल में 1825 दिन होता है, अगर कोई भी आपको प्रतिनिधि 5,000 रुपया भी देता है तो 1 दिन का 2.5 रुपये होता है, ये आपको सोचने का, विचार करने का कि 2.5 रुपये का जमीन में आप इतने को तैयार है, क्योंकि 5 साल में वो विधायक या कोई भी वो बंदा आपके सामने दिखेगा नहीं, तो अगर आपकी जमीन आपका वकार अलाउ करता है कि हम 2.5 रुपये में बिक जाए तो ये जनता कबूल नहीं करेगी, और इसको ये आईना मैंने दिखाया है जनता को कि एक्चुअल में माजरा क्या है, और इसीलिए जनता मुझे पसंद कर रही है और इसमें बदलाव के लिए जन पूरा संकल्प ली हुई है। बिल्कुल चैलेंजिंग तो है, लेकिन मैंने पहले ही बोला था ये मांडू विधानसभा मेरा घर है, मेरी पैदाइश है, तो जब घर में कोई लड़ता है तो घर वाले उनका साथ रहते हैं, तो उम्मीद करता हूँ जिस तरह से मैं चैलेंज देख के दूसरा था 2 महीने 4 दिन पहले, वो आज मुझे चैलेंज नहीं लग रहा है, आज मुझे वो प्यार लग रहा है और ये प्यार आपको आने वाले इलेक्शन में दिख जाएगा। रोजगार की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है और सब पे भारी नशा, रोजगार पे भारी नशा, शिक्षा पे भारी नशा, सब पे एक जगह पे भी नशा का बात हो रही है, इजी ले रहे हैं क्या, आसान है क्या? देखिए, नशा तो बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे सब कुछ जुड़ा हुआ है, अगर आप देखिएगा तो कड़ी पे कड़ी जुड़ा हुआ है, अगर लोग शिक्षित नहीं है, रोजगार नहीं है तो वो नशा की तरफ भाग जाते हैं क्योंकि वो अपने डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप किसी युवक को अगर ये कह रहे हैं कि ये नशेड़ी है तो मैं समझता हूँ ये गलत है, वो क्यों नशा में है उसको रूट कॉज समझिए, आज उसके पास रोजगार नहीं है, घर में उसकी माँ बहन है जिनको वो कुछ पैसे नहीं दे पा रहा है, बाप कहीं पर गाड़ी चला रहा है, तो ऐसे व्यवस्था में एक ही उपाय है कि अगर आप उनको रोजगार से जोड़ दीजिएगा, शिक्षा से जोड़ दीजिएगा, तो ये नशाखोरी अपने आप बंद हो जाएगी। जनता में जागरूकता फैलाएंगे और ये जातिवाद खत्म करवाएंगे तो उम्मीद है कि ये जो लड़ाई झगड़े हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि जाति से विकास नहीं होगा सर, शिक्षा से होगा और रोजगार से होगा। चुनाव से पहले बहुत सारे ऐसे चेहरे आते हैं
लेकिन चुनाव खत्म हो जाने के बाद जो है इस तरह से कहा जाए कि क्या लगता है कि उसी तरह से सर मैं पहले भी बोला कि मैं राजनेता नहीं बनने आया हूँ, ये मेरा परिवार है, मैं हारूं या जीतूं वो अलग मामला है, नसीब का मामला है। बोलते हैं कि मंजिल मंजिल मिले ना मिले ये किस्मत की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये भी गलत बात है। तो मेरा काम है कोशिश करना सर, बाकी के ऊपर लगता है। नहीं बिल्कुल सर, वो वक्त बताएगा क्योंकि भविष्य काल को ही देखा है। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं हमेशा हारूं या जीतूं जनता के बीच में नजर आऊंगा। धन्यवाद।